सलह जी, आप अपना आइडिया अपने पास ही रखिए, ये राजनीति है। एक्सक्यूज मी नंदोई जी, ये मत भूलिएगा कि मुखिया का पद हम आप लोगों से ही जीते हैं। अब आप लोग हमारा बात सुनिए ध्यान से। फादर इन लॉ, आज से आप प्रचार नहीं कर सकते, तो क्या हुआ, पब्लिक लोग तो आपके लिए प्रचार कर सकता है ना। का मतलब? मतलब ई कि अगर आपका एक वीडियो बन जाए तो, जिसमें आप वोट मांग रहे हो और वो वीडियो वायरल हो जाए, तो एक तरीके का प्रचार ही हुआ ना। याद है ना आप लोगों को, जैसे हम वीडियो बनाए थे छठ पूजा के टाइम मुख्य इलेक्शन में। चुनाव आयोग उसको प्रचार ही मानेगा, ससुर जी का नाम ही खारिज कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग उसको प्रचार कैसे मानेगा? कोई भी कभी भी कैसे भी वीडियो तो भेज सकता है ना, कितना भी पुराना वीडियो हो। बात तो एकदम ठीक कह रही निमकी, आइडिया बहुत अच्छा है। बात तो सही है जीजा जी, अरे किसी को कहां मालूम पड़ेगा वो वीडियो आज का है, वीडियो तो फॉरवर्ड होगा। हाँ मगर, अरे अगर मगर छोड़िए महाराज, बुलाइए ना कैमरा वाले को, तो वो वीडियो बनवाइए हमारा, ओकरा देखा जाएगा, इसको कहां मालूम है कौन फॉरवर्ड किया कौन शेयर किया है। एग्जैक्टली फादरिना, अभी हम जाते हैं कमरा में सो जाते हैं। ओवर एक्टिंग तो नहीं हो गया ना? क्या बात कर रही हो निमकी, तुम तो आज दीपिका पादुकोण को फेल कर दी। क्या बेहतरीन काम कियो आज तुम। अब हमरा तारीफ करना बंद करो, काम का बात सुनो, आगे का प्लान। हाँ बोलो बोलो। ये प्लान में नाहर सिंह जरूर फंसेगा। और देखो अब हम अपना काम करते हैं, अब तुम्हारा बारी है। बिल्कुल टेंशन मत लो निमकी, हम नाहर सिंह को संभालते हैं, इधर है वो। अरे यहाँ अकेला कहाँ बैठा है बब्बू? कुछ नहीं बस ऐसे ही भैया, थक गए हैं। अरे भाव जी के प्रचार के चक्कर में ना, आज तो आखिरी दिन था, पूरा गांव घूमना पड़ा होगा। वैसे बाबू जी का पोजीशन कहाँ है अब, मतलब सब ठीक है ना? हाँ भैया सब बढ़िया चल रहा है, एगो नया प्लान बनाए हैं, एगो वीडियो बनाएंगे बाबू जी का और सब वोटर लोग को भेजेंगे। अब कब का वीडियो? वीडियो मतलब? अरे क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, हम सोच रहे थे ये प्लान चलेगा का? अरे दौड़ेगा भैया, अब देखिएगा बाबूजी को बहुत फायदा होगा इससे। अरे गैस एजेंसी नहीं है, राजनीति है, आप नहीं समझेंगे। चलिए हम जाते थोड़ा आराम करते हैं। हाँ ठीक है, जा जा आराम करो आराम करो। हाँ बाबू, अब केवल बाबू जी नहीं, हम भी राजनीति करना सीख गए हैं। अब देखो हम क्या करते हैं। क्या हो गया, क्या है मूड खराब आपसे मतलब? अरे बुरा क्या है मान, हम ऐसा क्या बोलते? आज जो तुम बात किए हो ना जनता के सामने, गज्जा तेतर सिंह का मुंह देखे थे आई नीम किया, अरे तुमरे कोनो बात का जवाब नहीं दे सके। मजा कहे नहीं आएगा आपको?
मजा तो बिल्कुल आएगा। जब दो बिल्ली लड़ती है ना तो खुश तो बंदर ही होता है ना। अरे हम तो ये बात पर खुश थे कि तुम इंसाफ का बात कियो, सच बोले। सच्चाई और इंसाफ का बात हमारे सामने कीजिएगा मत। आपके मुंह से नहीं सब सब शोभा नहीं देता है तो मत बोला कीजिए। आप जाके मिल तो गए तेतर सिंह से रिचा के मामला में, इसीलिए कहते हैं हमारे सामने ना बतियाइए मत, हम सब भंडा फोड़ देंगे आपका। बेटा वो तो मजबूरी था, राजनीति में तो ये सब करना ना पड़ता है। ये बोल रहे हैं चाचा, राजनीति के चक्कर में ना सब मजबूर हो जाता है। निम्की भी अपना ससुर जी के राजनीति के चक्कर में मजबूर हो गई है। निम्की ना 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 वो का मजबूरी है? अरे वो बदल गई है, वो अपने ससुर तेतर सिंह की तरह बेईमान हो गई। हमको भी लगा था ना कि वो बदल रही है, लेकिन इतना बदल जाएगी ये कभी नहीं सोचे थे। काम नहीं की उसके लिए। अभी आज सुबह में देख लीजिए वो वीडियो केबल वाला लड़नवा है ना, है उससे मिलवाया उसको, तेतर सिंह को वीडियो बनवाना था इसके लिए। ललनवा केबल वाला वो काहे आया था? ये तेतर सिंह कौन सा वीडियो बनवा रहा है? तेतर सिंह पब्लिक के लिए वो वीडियो बनवा रहा है जिसमें वो वोटर लोग से वोट मांगेगा ताकि उन पे नहीं प्रचार का इल्जाम ना लगे, उनका प्रचार भी हो जाए। प्रचार का तो आज आखिरी दिन है। तेतर सिंह तो बोल देगा कि पहले का वीडियो है, लोग अगर अभी इसको फैला रहे तो हम क्या करें। अरे चाचा आपको याद नहीं है का निम्की के टाइम पर एक हम लोग भी ऐसा वीडियो वायरल किए थे? अगर ये वीडियो वायरल हो गया ना चाचा तो सारा पब्लिक इमोशनल होकर ना तेतर सिंह को वोट देगा। खूब चालाक है ये लोग चाचा, कल से लेके इलेक्शन के दिन तक नई वीडियो सबके फोन में जाएगा, खेला बदल जाएगा चाचा। अगर आपको ना ऐसा वीडियो बनवाया है ना तो वायरल कर दीजिए ना, तब ऐसे ही मुंह बाय खड़े रह जाइएगा। जरूर निमकिया का आइडिया, कहीं हमसे खेल तो नहीं रहा। हाँ बोलिए डब्लू बाबू। नारसिंह जी एगो खबर देना है आपको। का बाव जी अपना एगो वीडियो बनवा रहे हैं और पब्लिक में वायरल करने के लिए। हम तो कहते हैं आप भी अपना एक भाई साहब वीडियो बनवा दीजिए। ठीक 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 चल। हम तेतर सिंह आपके भावी विधायक आपको सादर प्रणाम करते हैं जी जी, और आपसे ये अनुरोध करते हैं कि आने वाले चुनाव में आप मतदान में जरूर हिस्सा लें और आप अपने लिए वो नुमाइंदा चुनें जो आपके विकास के लिए काम करे, आपके खुशहाली के लिए काम करे। यदि आप लोग ये सोच रहे हैं कि तेतर सिंह आप लोग के खुशहाली के लिए काम करेगा तो आप लोग ये गलत सोच रहे हैं। काहे कि वो इतना साल मुखिया रहा का किए, इसलिए हम बोल रहे हैं आपको अपना नुमाइंदा बहुत सोच समझ के चुनिएगा। तेतर सिंह एकदम में भ्रष्ट आदमी। भ्रष्टाचार को मिटाना है तो आपको सही आवाज चुनना होगा, आपको देखना होगा कि आपके लिए कौन है जो अपनी खुशियों का बलिदान करता है, और हमको पूरा विश्वास है कि आप हमारी ई आवाज को जरूर समर्थन देंगे। फादरला फादरला वो भी बोले ना, दूसरे प्रत्याशियों के खिलाफ भी कुछ बोल दीजिए आप, वो भी नाम लेके। हाँ बाबूजी सही कह रही है, बोलिए बोलिए। धज्जी उड़ा दीजिए सबका। का है नाहर बाबू,
काई बार बार तेतर सिंह के नाम ले रहे हैं? अरे आप अपना बारे में बोलिए ना एकरा में। हम आप लोग के लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार। हम कोई विधायक का कुर्सी का लालच नहीं। अरे हम तो आप लोग का सेवा करेंगे, चाहे विधायक रहे कि नहीं रहे। इस चुनाव में इतना घटिया लोग खड़ा होगा तो उसको रोकना होगा। कोई भ्रष्ट आदमी सत्ता में आ जाए तो ये हम होने नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं होने देंगे। हमको भ्रष्टाचार को हर हालत में रोकना है। हमको कुर्सी का लालच नहीं है। नाहर सिंह को, अखिलेश पासवान को और ब्लैकिया बुद्ध सिंह सबको रोकना है। कहे कि हम आपका भला चाहते हैं। गजब का बात है भदला, गजब। का कर रहे हैं आप नाहर सिंह जी? जो चीज गुस्सा में बोलना चाहिए उसको ऐसा प्यार से बोल रहे हैं, और जो अच्छे से बोलना चाहिए उसमें गुस्सा वाला टोन डाल रहे हैं। अरे बढ़िया से बोलिए ना। ये भ्रष्ट ताकत को रोकने के लिए अखिलेश पासवान हमरे फेवर में विड्रॉ करने तक के लिए तैयार है। कि किसी को विड्रॉ फिड्रॉ करने का कोनो जरूरत नहीं है। प्रजातंत्र में चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है। भादरीना, ये भी बोल दीजिए कि कोनो अच्छा कैंडिडेट होता तो आप खुद विड्रॉ कर लेते। बोल दीजिए। ना 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 ना, इतना ठीक है, इससे ज्यादा बोलने का कोनो जरूरत नहीं। सही तो बोल रही है एकदम। अरे इससे आदमी और इमोशनल हो जाएगा। आप बोलिए बोलिए। अरे बाद में काटना होता तो काट देगा ना, बोल देते हैं। हाँ हाँ, बाद में काट दीजिएगा ना। हाँ आप बोल दीजिए फादर। अच्छा लोग चुनाव में होता तो हम खुद विड्रॉ कर लेते, जैसा कि हम पहले कहे हम त्याग में विश्वास रखते हैं। अब कुछ हो जाए तेतर सिंह को वोट नहीं दीजिए। भाइयों इस बात का प्रण लीजिए कि नाहर सिंह को एक भी वोट नहीं जाना चाहिए। पुल बनाया तेतर सिंह, पुल तोड़ा तेतर सिंह। रास्ता बनाया कौन? तेतर सिंह। रास्ता खोदा कौन? तेतर सिंह। ये सब अपने फायदे के लिए। पैसा किसका गया? जनता का ना। और हम जब जब आवाज उठाए तो हमरे आवाज को दबाने का कोशिश किया तेतर सिंह। अरे कहाँ है नाहर सिंह जी? तेतर 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 तेतर, अपने बारे में बोलिए ना महाराज। ठीक बोल रहे हैं। शुरू कीजिए जी। आप लोग से विनती है कि आप लोग सही नुमाइंदा चुन हमको, यानी नाहर सिंह को अपना वोट दें और भारी मतों से विजय बनाइए। धन्यवाद। भादरीना का कमाल कर दिया आप तो। अरे आप तो अपना टैलेंट भेज कर रहे हैं लाइन में। आपको तो फिल्म सब में काम करना चाहिए भाई। कसम से का डायलॉग बोले आप, का डायलॉग बोले। वाह साले साहब, हमको ना मामला थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। निम के यहाँ ससुर जी का कुछ ज्यादा ही तारीफ नहीं कर रही। अभी से चलने लग गए हैं? और कहा गलत बोली है वो? हाँ कहा अच्छा नहीं बोले हैं का बाबू जी? चलिए जय हिंद। बहुत बढ़िया नहर साहब। देखिए आप अच्छे से बनाइएगा, ये हमारे भादरीना का इज्जत का सवाल है भाई। हाँ हाँ, ये का को ना कहने वाला बात है का? अरे भाई इसको जरा ऑन तो कीजिए, अब हम भी तो देखें कैमरे से कैसा लगता है। वाह क्या बात है। वाह
गजब का लग रहे आप फादरिला, फादरिला जरा खड़े हो जाइए ना, देखिए तो सही कैसे लग रहे हैं आप लोग। अरे नंदोई जी, बाबू जी, आप लोग भी आइए ना कमरे के सामने, आइए, दिख नहीं रहे, आइए। बाबू जी थोड़ा ये आइए ना अंदर अंदर। सॉरी 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 का लग रहे हैं एकदम गजब। ए चल ललन, इसको फटाफट तैयार करके भेज दे हमारे पास। जी भैया। ललन अरे दिखाओ ना भाई, हम भी देखे हैं कैमरा में कैसा लगते हैं। जी एडिट करके दिखाते हैं ना आपको। ए बोले ना दिखाने को, चल दिखा, भाऊजी का मूड अच्छा हो जाएगा। दिखा बाप रे, अगर ई चल गया तो सब भांडा फूट जाएगा। ससुर जी अभी बहुत टाइम लगेगा, वो थोड़ा पूरा पीछे जाएगा फिर आगे जाएगा, बीच बीच में आप कुछ गलत सही बोले होंगे तो उसको एडिट करके फिर दिखाएगा बाद में ललन। अभी चलिए, वो महतो बाबू भी वहाँ वेट कर रहे होंगे। नंदोई जी एकदम सही बोल रहे हैं। ठीक है ललन, तबे दिखा देना। चलिए दामाद, चलो बोलो। महुआ, हम तुमको प्रेम करते हैं, हम तुमको प्रेम करते हैं। जब से तुमको देखे हैं, तुम पे दिल आ गया है। छौड़ा का इतना हिम्मत, कल स्कूल में जाके बताते हैं हम उसको। तुम्हारे लिए हम जान दे सकते हैं। कुत्ता कहीं का, मुझे पलट के फोन नहीं की हमको। कल मिलो तुम, बताते हैं हम तुमको। महुआ का जरूरत था, का जरूरत था तुमको उसको देख के मुस्कुराने का। समझ गया ना, समझ गया ना, समझ गया ना वो गलत। दोबारा ऐसा हुआ ना तो चिट्ठी कोई देख लिया तो एक काम करते हैं, फाड़ देते हैं इसको। क्या है, लव लेटर है क्या हुआ? अरे पढ़ने दो, वो पढ़ने दो, चिट्ठी दो, पढ़ने दो, हमको पढ़ने दो, एक बार पढ़ने दो, चिट्ठी दो, बात समझो, हमको बात समझो, बात समझो तो सही, फिर तुम समझती रही हो महुआ। अरे पढ़ तो लेने दो, एक बार पढ़ने दो महुआ, उसके बाद हम तुमको दे देंगे, हम वादा करते हैं हम तुमको दे देंगे महुआ। पढ़ तो लें तो फिर दे दो हमको, पढ़ लें हम फिर दे देंगे। हमारे बात को समझो, बात को महुआ, पढ़ के हम दे देंगे। हमने चिट्ठी महुआ, अब महुआ अरे देखो ये पूरा नाखून से हमारा हाथ छील दे तुम। महुआ तुम रो कह रही हो, चोट लग गया का? टुन्ने तुम्हारा समस्या का है, तुम काहे छीने ही कागज बिना पूछे। ये लव लेटर है तो भी किस हक से?